3rd year children and parent. So please keep watching this video. In this video I am going to tell you how to take practice on mock test for Bruno Brain International Competition 2022. So what to do? Like this, you will getting an email and your email address. So whenever you are getting an email, so please check system compatibility. So please click here, system check capabilities. So agar aapka system compatible hai, everything is okay, then there is no issue like this. System compatibility check kar liye usne ki aap kaun sa browser use kar rahe hain. Browser recommendation hai hamari Google Chrome, agar it is allowed then okay. So jaise aapne isko click kiya, dekhiye ab aapse keh raha hai start screen capture. अभी आपके सामने एक अलाउ वाला बॉक्स आया था क्योंकि मैंने क्विक लिंक एंटीवायरस यूज़ की हुई है. जो एंटीवायरस होता है ना वो उसको ब्लॉक कर सकता है. अगर आपके सामने पॉपअप आता है तो प्लीज़ उसे अलाउ करनी है. अब कभी कभी अलाउ जो बॉक्स आता है वो राइट साइड में आता है, कभी लेफ्ट साइड में पॉपअप आता है. सो प्लीज़ कीप वॉच. अगर आपने उसे अलाउ किया होगा देन आप अपने शेयर स्क्रीन कर सकते हो, आपका वीडियो एंड ऑडियो विल बी रिकॉर्डेड. अदरवाइज आपने अलाउ नहीं किया तो वो उसको रिकमेंड नहीं करेगा, देन इट विल नॉट प्रोसीड नेक्स्ट. तो व्हाट टू डू हियर, हमने स्टार्ट स्क्रीन कैप्चर क्लिक की. मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ें शेयर करनी है. मैंने इंटायर स्क्रीन क्लिक कर दी, ठीक है, क्योंकि हमारे विंडो पे मेरे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें रनिंग है वो सब चीज़ें मॉनिटर की जाएंगी. क्या क्या चीज़ें हम रनिंग इसमें प्ले कर रहे हैं, ईच एंड एवरी टैब, ईच एंड एवरी एप्लीकेशन विल बी मॉनिटर, सब कुछ रिकॉर्ड होगा. तो वी हैव टू क्लिक एन इंटायर स्क्रीन, देन क्लिक शेयर, नाउ प्रोसीड, ठीक है. इससे क्या होगा कि जो एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल होना था वो इंस्टॉल हो चुका है. इस साल एक नया एप्लीकेशन डेवलप किया गया जो कि इस तरह का इंटरफेस देता है. जो आपने पुराना वीडियो देखा था वो ब्रांड सॉफ्टवेयर के लिए था. इसमें अगर कंपेबिलिटी नहीं होती तो ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है, जो प्लगइन चाहिए होता है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है, आपको कुछ नहीं करना है. नाउ क्लिक एट प्रोसीड, एवरीथिंग लुक्स ग्रेट, अब आप आगे काम कर सकते हो, ठीक है. नाउ यू मे क्लोज दिस विंडो, यानी कि अब आप इस स्क्रीन को क्लोज कर सकते हो. अब अपनी ईमेल पे वापस लौट आइए, देन यू विल क्लिक एट स्टार्ट टेस्ट. इसको मैंने क्लिक एट स्टार्ट में क्लिक किया. अब आपके सामने विंडो खुलकर आ रही है, ठीक है. रीएक्टिवेटेड टेस्ट, आई एम सॉरी मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया. लिंक था वो एक लिमिटेड टाइम भी होता है, उसका टेस्ट एक्सपायर हो जाता है, ठीक है. तो अगर आपके पास टेस्ट आ रहा है आज के डेट में, आज के लिए आ रहा है, तो आज उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा. अगर वैसे लिंक एक्सपायर हो जाएगा देन आप इस टेस्ट को प्रोसीड नहीं कर सकते हैं. सो आई होप आपके पास समझ आ गई होगी. क्योंकि जब तक बस मेल आएगा उसमें डेट मेंशन होगी तब से कब तक लिए लिंक वैलिड है, उसके बाद ये लिंक काम नहीं करेगा. तो जब भी आपके पास ईमेल आ रही है देन आपको बहुत ध्यान से रखनी है, कीप चेकिंग योर ईमेल. सो ट्राई दिस, हैव अ ग्रेट डे.